तीन चीज होती है, सीवी, रेज्यूमे एंड होता है बायोडाटा होता है। सीवी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूरिकुलम वीटे, फिर रेज्यूमे और बायोडाटा। तो सीवी और रेज्यूमे बेसिकली जॉब के लिए होता है और बायोडाटा जो है पर्सनल के लिए होता है, जैसे शादी में हम देते हैं या अपनी पर्सनल डिटेल देने के लिए देते हैं, नॉन प्रोफेशनल होता है। तो सीवी में हम अगर आए तो आप सीवी कहाँ और रेज्यूमे कहाँ, देखो यहाँ दो तरह से अंतर आता है, अमेरिकन और ब्रिटिश, ठीक है। अगर हम जो इंडिया में यूज किया जाता है, इंडिया में सीवी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो इंडिया में फ्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और रेज्यूमे जो है वो एक्सपीरियंस के लिए होता है। जबकि कहीं जगह, बहुत जगह आप ये भी देखेंगे कि रेज्यूमे जो है फ्रेशर के लिए रखा जाता है, ठीक है, और सीवी जो है एक्सपीरियंस के लिए रखा जाता है। तो इस कंफ्यूजन के कारण ही हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं देते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ब्रिटिश इंग्लिश अपनाते हो। जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन में आपको एक छोटा सा अंतर बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने सेंटर की दो तरह की स्पेलिंग देखी होगी, एक है सी एन टी ई आर और दूसरा है सी एन टी आर ई, दोनों सही है लेकिन जेनर अलग अलग है ना, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। तो अब आप जहां पे लिखोगे वो सही मानता है सामने वाला क्या गलत मानता है, तो बेटर है कि हम कोई भी हेडिंग नहीं देते हैं सीवी लिखने के लिए। हम यहाँ सीवी मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम इसको सीवी बोलेंगे। तो सीवी के लिए जो भी पेज आप यूज करेंगे, अब लिखने के लिए तो ठीक है आपका मार्जिन जो है डिफॉल्ट मार्जिन ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए जो पेज रहेगा वो बॉन्ड पेपर होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट जो है वो दो तीन फॉन्ट है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल है या फिर आप टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, ठीक है। साइज, फॉन्ट साइज जो है वो अलग अलग होगी, 14, 12, 10, मेन हेडिंग 14, सब हेडिंग्स 12 और जनरल 10। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 11 लिया हुआ है। तो हल्का फुल्का चेंजेज जो है फॉन्ट के हिसाब से भी हो जाता है, जो फॉन्ट हम यूज करते हैं उसके हिसाब से भी इसमें चेंजेज आता है। तो आप डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, जैसे 10 से 11 तक ले लीजिए इसको, अगर आप इसको 11 ले रहे हो तो इसको 13 लो और इसको लेंगे हम क्या 15, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीजों पर ध्यान रखेंगे। अब है कि अगर हम एक सीवी बना रहे हैं, यानी कि हम फ्रेशर के लिए बना रहे हैं, तो हमारे क्या क्या नॉलेज चाहिए, हमको हमारे पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। एक है पर्सनल, ठीक, उसके बाद है ईमेल आईडी, जिसमें कि ईमेल आईडी, फोन, एड्रेस इटीसी होना चाहिए। अब चूंकि आप फ्रेशर हो तो एक बात समझो हमेशा कि जब हम इंटरव्यू जा रहे होते हैं ना इंटरव्यू में, तो कह सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ वहां पर सेल ही कर रहे हो। अक्सर ये देखा है मैंने कि स्टूडेंट जो है वो टैली पढ़ी रहे होते हैं या टैली उनका खत्म हुआ है, ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, सर हमको 12,000 की सैलरी पे जॉब चाहिए, सर हमको 15,000 की सैलरी पे जॉब चाहिए। ये उसी तरह है कि आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो और आपसे कोई खरीदने जाता है, खरीदने के लिए आता है, और आप बोलते हो नहीं भैया हम तो इसका 20 रुपए लेंगे, हम तो इसका जो है 40 रुपए लेंगे। आप ये समझिए कि जब तक किसी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता है लोगों को, वो आपको उसका जो है सही कीमत लगाएगा नहीं, और आपको जो कीमत आप चाहते हो वो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रोडक्ट की सही कीमत लोगों तक पहुंचे। अब एक इंटरव्यू को बेसिकली जो है आप एक इंटरव्यू को भी सेल एंड परचेज ही माना गया है। यहाँ सेल क्या होता है, यहाँ सेल होता है आपका टैलेंट और आपका टाइम, ठीक है, और सामने वाला यही आपसे खरीद रहा होता है। लेकिन आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं ये उसको कैसे पता चलेगा। अब कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जिनकी डिग्री जो है वैल्यूड होती है, जिस आधार पर लोग मानते हैं कि इतने वैल्यू का तो ये है। जैसे अगर आप टैली ब्रेन से टैली पढ़ते हो, जीएसटी पढ़ते हो, सर्टिफिकेट लेकर जाते हो या आपने वहां लिखा है ना, तो आपको एक वैल्यू होती है। अगर आप एमबीए करते हैं कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हैं, आप कोई इधर उधर यूनिवर्सिटी से करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो आप आईआईएम से करते हो या आप एक्सएलआरआई से करते हैं या आप टिस से करते हैं, ऐसे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, तो जब आपके सीवी में उस चीज को लिखा जाता है तो वो आपकी वैल्यू बताता है, तो वहां आपको एक अपग्रेड मिलता है, या आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका एक्सपीरियंस। तो इसके लिए जरूरी है कि ये एक्सपीरियंस या जो भी आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से कोई सर्टिफिकेट है या रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है उसको हम हाईलाइट करें, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल के बाद हम क्या डालेंगे, हम पर्सनल डिटेल के बाद डालेंगे हेडिंग।
हेडिंग मतलब जो मैंने भी आपको बताया कि क्यों आप जो है अलग हो, ठीक है, क्यों आप अलग हैं, ये हम बताना कि आपको बताएंगे क्यों आप अलग हैं। मान लीजिए कि आप अकाउंट्स की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो भैया अकाउंट्स में आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी कैंडिडेट्स के पास नहीं है? एक्सपीरियंस हो सकता है, जीएसटी या टैली की अच्छी नॉलेज हो सकती है, मान्यता प्राप्त संस्था से हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई अकाउंट्स के लिए जा रहे हो आप, एमकॉम हो, बाकी हो सकता है एमकॉम ना हो, आप एमबीए हो वो भी फाइनेंस से हो बाकी ना हो। तो ये चीजों को आपको हाईलाइट करना है ताकि सामने वाला जब आपके सीवी उठाए, जैसे अगर मैं आपको ये सीवी दिखाता हूँ तो देखो देखते ही सबसे ज्यादा हाईलाइट आपको ये पार्ट करेगा। और मुझे इसी से मतलब है भाई, मेरे नाम से कोई मुझे जॉब नहीं देगा, ऑब्वियसली नाम ऊपर डालना है। जॉब मुझे मिलेगी इसलिए कि भाई एमकॉम वाला लड़का है और 1 ईयर एक्सपीरियंस है, वो भी अकाउंटिंग और टैक्सेशन में, मतलब मुझे अकाउंटेंट चाहिए और मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो अगर कोई अगला जो है इससे ज्यादा नॉलेज का या कम डिग्री वाला हो तो मेरे चांसेस तो बढ़ गए। स्टिल मेरे चांसेस जितना तो है कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ इसी लाइन के कारण मैं फर्स्ट राउंड तो पार कर जाऊंगा कि मेरी जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट तो हो जाएगी। कम से कम मुझे टेस्ट के लिए बुला ही लेंगे या मुझे इंटरव्यू के लिए जो भी उनका नेक्स्ट राउंड होगा मुझे बुला लेंगे। तो सिर्फ एक लाइन आपको इतना काम कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हेडिंग लाइन हम देंगे जो आपको डिफाइन करेगी। जनरली आपने देखा होगा बहुत जगह लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस है तो आपके पास जो एक्सपीरियंस उस पर आप अच्छे से बात कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल ला सकते हैं। लेकिन हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, और हो सकता है कि कॉलेज में मैंने कोई जो है इंटर्नशिप की है, या मैं सीए की भी तैयारी कर रहा था और उस फर्म में आर्टिकलशिप की है, या मेरे फादर जो है या मेरे अंकल जो है उनकी जो है सीए फर्म है या अकाउंटिंग फर्म है जिसमें मैं काम करता हूं, ऐसा कुछ हो सकता है जो रिलेटेड है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा आपका स्किल। जनरली आपने देखा होगा बहुत जगह लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को पहले डालते हैं कि भैया मैंने एमकॉम किया है, मैंने बीकॉम किया है, ट्वेल्थ किया, टेंथ किया है। एक बात आप सबको पता है, आपको क्या सबको पता है ये बात, हम स्कूल पढ़ते हैं, हम टेंथ ट्वेल्थ भी करते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, सब करते हैं। लेकिन बेसिकली जब जॉब के लिए जाते हैं तो ये एड ऑन तो है, ऑब्वियस है कि एड ऑन है, एमकॉम बीकॉम एड ऑन है, लेकिन जॉब मिलेगी स्किल बेस्ड पर। तो उन चीजों को क्रॉनिकली दर्शाइए जो चीजें वैल्यूड हो जिस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्किल की बात करेंगे। अब यहाँ पर स्किल की बात करते समय भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर मैं अकाउंट्स की जॉब के लिए जा रहा हूं तो मैं अकाउंटिंग रिलेटेड स्किल्स पर ध्यान दूंगा यहाँ पे, यानी कि टैली, एमएस ऑफिस, पहले टैली फिर एमएस ऑफिस। और अगर मैं सिर्फ डेटा एंट्री के जॉब के लिए जा रहा हूं तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, पहले मैं डालूंगा एक्सेल की नॉलेज मेरी कैसी है, फिर मैं डालूंगा इंटरनेट की नॉलेज मेरी कैसी है, फिर मैं डालूंगा वर्ड की नॉलेज मेरी कैसी है, देन मैं डालूंगा एक्स्ट्रा स्किल्स में क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, टैली एंड ऑल। और ज्यादा उसको बाइफर्केट भी, ज्यादा उसको डिटेल भी नहीं करूंगा मैं। डिटेल किसको करूंगा यहाँ पे, मैं डिटेल करूंगा यहाँ पे एक्सेल को, जबकि अगर मैं अकाउंट्स के लिए जाऊंगा तो मैं डिटेल करूंगा टैली को। सिमिलरली अगर मैं मार्केट की जॉब के लिए जाऊंगा तो मैं किसको डिफाइन करूंगा, सोचिए मार्केट में अगर हम जाते हैं तो हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल, ठीक है, देन एक्सेल, देन इंटरनेट, देन एक्स्ट्रा स्किल में टैली एंड ऑल जो भी आपने सीखा है वो आप डालेंगे। सो सीवी हम लोग क्या करते हैं, जनरली ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। टैली में इसमें हमने एक ट्रेंड रखा हुआ है, इसीलिए कि हम आपको जॉब में तभी भेजेंगे जब आपने सीवी प्रॉपर बनाई होगी, अदरवाइज हम आपको भेजेंगे भी नहीं। रीजन यही है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पास भी आते हैं ना, जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं बच्चे, तो ऐसी सीवी लेकर आते हैं, मतलब अब टेलीमेंस के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास काउंसलिंग की सीट खाली है, तो जब इंटरव्यू होगा हम मान लीजिए कॉलेज से कॉन्टैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करते हैं, या ऑनलाइन वर्क इंडिया जैसे ऐप्स कॉन्टैक्ट करते हैं, या जो भी ये लोकल जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो एक पोस्ट के लिए वो 10, 20, 25 तक लोग भेज देखते हैं। तो होता क्या कि 25 में से 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मेरे मैं मिलता ही नहीं हूँ। हरीश के पास जो अपने एचआर है उनके पास जब सीवी जाती है तो वही रिजेक्ट कर देता है
25 में 20। अब हो सकता है कि उनके पास नॉलेज अच्छी रही हो उन बच्चों के पास, लेकिन भाई आपका प्रेजेंटेशन, जब आपका खुद को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप हमारी कंपनी को क्या प्रेजेंट करो। सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास नॉलेज नहीं होगी, लेकिन बात तो ये है ना कि जब आप खुद को ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो हमको क्या प्रेजेंट करोगे। आप जब खुद के प्रति सिंसियरिटी नहीं दिखा पा रहे, आप कंपनी में काम कैसे करोगे। भाई कोई भी बिजनेस जो है ना, वो उसके एम्प्लॉय, उसके मेंबर्स से जाना जाता है, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ता है या जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर हमारा खुद का ही ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कमजोर होगा, अगर अभी टाटा का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसी को भी बना दिया जाए, इसी तरह से ब्रांड एम्बेसडर है सभी स्टूडेंट हमारे, सभी हमारे मेंबर्स, और उनकी इमेज हमको इफेक्ट करती है। इसी कारण से वो जब स्टूडेंट आते तो हमको रिजेक्ट कर देते। सोचो कितना बड़ा नंबर है। अब बचे पांच, पांच में से जब किसी तरह से जो है एचआर के पास से फिल्टर होता है, तो दो तीन मेरे पास आते बिना इंटरव्यू के ही हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो स्पेलिंग्स किसी की गड़बड़ है, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम नहीं दे पा रहे, कुछ भी। कुल मिला के 25 में से वो भी कभी कभी दो लोगों का इंटरव्यू होता है, उसमें से भी एक का पता चल जाता है, बात करते कि नहीं है कोई काम करनी है। 25 में से कभी कभी हो सकता है एक सेलेक्ट हो, नहीं तो कभी कभी तो 100-100 इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होता। कारण क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और आपका यह फर्स्ट इंप्रेशन आप पर्सनल नहीं होते, बल्कि एक पेपर होता है जो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले आज से घड़ी चौक से या किसी की सीवी लेकर लिखना बंद करो। सबकी प्रॉब्लम एक ही है, क्या करते हैं, अरे भाई तेरी सीवी बहुत अच्छी है यार, बहन तेरी सीवी बहुत अच्छी है यार, तेरा बायोडाटा बहुत अच्छा है, लाना। और हम देखते हैं कि अच्छा हमको क्यों लगता है, बड़े भारी भारी इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं जिनका मतलब हमको भी नहीं पता है, लेकिन हाँ भारी लिखा है ना, अच्छा ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता भारी शब्दों से, भारी आपकी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से चयन करते हैं और बोलते हैं ठीक है भाई भेज दे मेरे को, और उसी को एडिट, ठीक है। पहला क्या, कॉपी नहीं करना है। दूसरा कि देयर इज डिफरेंट सीवी फॉर डिफरेंट जॉब, हर जॉब के लिए अलग अलग सीवी होती है, जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया कि देखो यहां पर हमने क्या हाईलाइट किया, यहां पर हमने क्या हाईलाइट किया और यहां पर हमने क्या हाईलाइट किया। मेरे पास तीन पोस्ट थी और तीनों पोस्ट के लिए मैंने अलग अलग जो है, जब आप कार खरीदने जाओगे, ठीक है, और आप जाते ही कार वाले को बोलते हो कि यार मेरे को एक ऐसी कार दिखाओ जिसके सिक्योरिटी फीचर सही होने चाहिए, और वो आपको सेम पैम्पलेट उठा के लेकर आता है, उसमें ऊपर में लिखा होता है ब्यूटी बहुत अच्छी है कार की, कार का जो है ना ये मार्किंग बहुत अच्छा है, कार का सीट बहुत मुलायम है, कार की माइलेज बहुत अच्छी है, आप क्या करोगे, बोले जाइए मेरे को कुछ दे रहे हो कुछ रहने दो। वही एक बंदा आके आपको सीधे बोलता हाँ चलिए सर सिक्योरिटी फीचर्स पे बात करते हैं, बाकी चीजों पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना ही है, लेकिन पहले उस चीज पर बात करेंगे जो आपको चाहिए। बात समझ में आई? सो देयर इज अ डिफरेंट सीवी फॉर डिफरेंट जॉब, हर सीवी जॉब के हिसाब से सीवी में थोड़े मोड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल के हिसाब से ही दो जॉब में जा रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन एक जगह प्रोफाइल जो है डाटा एंट्री की है और एक जगह अकाउंटिंग की है, तो आपको थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। सो उसके बाद जो भी आपकी स्किल है वो आपने डाल दी है, अगर स्किल डालने के बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, तो स्किल डालने के बाद हम अब क्या डालेंगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चीज है भाई, सब जानते हैं, कितना पढ़े हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजों को डालना होता है, डिग्री एमकॉम बीकॉम जो भी है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जो भी हो, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है, वो है ग्रेड परसेंटेज। देखो ग्रेड और परसेंटेज हमेशा नहीं डालना है, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ग्रेड और परसेंटेज मान लीजिए किसी का ग्रेडिंग जो है 10th में वो फर्स्ट डिवीजन था 75% मार्क्स, 12th में आ गया 60, ग्रेजुएशन में भी रहा 60 या 58 हो गया, तो इंटरव्यू नहीं पूछेगा क्या बात है घटते जा रहे हो, मतलब 3-4 साल में तो जीरो हो जाओगे। कभी भी ऐसी चीजों को न रखें जो सवाल उत्पन्न करती हो, जो चीजें सवाल पैदा करे उसको अपनी सीवी से दूर रखें। अगर आपके ग्रेडिंग कंसिस्टेंट है 75% था फिर 72 हो गया फिर 73 हो गया चलेगा, ठीक है, या 40 था 45 हुआ 50 हुआ बढ़ रहा है अच्छा है रखो, या आपका नहीं मतलब अगर 40 45 50 है तो छोड़ ही दो,
ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए या अपग्रेड होने चाहिए। अगर डिग्रेड हो रहे हैं या खराब ग्रेड्स हैं, सेकंड 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 ही रह गए, बचपन से पढ़े नहीं, खाली इधर उधर घूम रहे थे, जो भी है किसी भी कारण से अगर आपके ग्रेड्स खराब है या डिग्रेड हो रहे हैं, तो ये कॉलम आपके सीवी में नहीं होगा। बात समझ? अब इसके बाद हम क्या डालेंगे? जनरली इसके बाद लोग क्या करते हैं, इसके बाद तो फादर मदर डिटेल हम पर्सनल डालते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर क्या डालेंगे? वाई मी, ठीक है। अगर अकाउंटिंग की जॉब के लिए है या जो भी जॉब के लिए है, तो उस पोस्ट पर उस कंपनी के लिए आप ही क्यों, ये सवाल का जवाब आपको डालना है। जैसे आप देखो हमने यहां डाला हुआ है वर्क आई एम एबल टू डू, है ना, यानी कि आपके मैं क्या काम कर सकता हूं, और यहां पर डाला है व्हाट मेक्स मी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, मुझे आपके लिए यहाँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनाता है कि क्यों मैं ही, अगर मेरे साथ और भी 24 लोग आए हुए हैं तो इन 2500 में मैं ही क्यों सबसे अच्छा हूँ, ये चीज़।